नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। नीट अंडर ग्रेजुएशन पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच एनबीई ने आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया। दरअसल एनबीई ने यह कहा कि जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा के पूरे प्रोसेस का बारीकी से मूल्यांकन करने का फैसला किया, लिहाजा एहतियात के तौर पर आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस परीक्षा की नई डेट जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। आपको बता दें कि एनबीई ने एक एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में पेपर लीक होने का संदेह जताया गया है। तो एनबीई जल्द ही नई तारीख का ऐलान करेगा। नीट पोस्ट ग्रेजुएशन प्रवेश परीक्षा आज होनी थी लेकिन उसे स्थगित कर दी गई है। देर रात ये खबर मिली और तमाम जो ट्वीट्स और प्रेस नोट है वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी जारी किया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बकायदा एक पोस्ट डाला गया, जिसके बाद ये पता चला कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रवेश परीक्षा है नीट का वो स्थगित हो गया है। और इस बीच नीट यूजी परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। केंद्र ने नीट यूजी एग्जाम में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्रालय ने देर रात इसकी घोषणा भी की है। विपक्ष ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। तो नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है और नीट परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई जांच की जाएगी, सीबीआई जांच होगी इस पूरे मामले में। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया है। दरअसल प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया गया और इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया था और ये कमेटी 2 महीने में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, ये नीट यूजी परीक्षा का विवाद तो बढ़ता जा रहा है लेकिन अब इस बीच सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से आज की आज रविवार को ही एक यूजीपी नीट परीक्षा होनी थी और ये पीजी स्तर की जो एग्जाम होती है वो आज होनी थी, लेकिन कल रात में एक बड़ा फैसला लिया गया और उसे स्थगित करने का फैसला लिया गया। और इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि परीक्षा की नई तिथि जल्द ही स्वीकृत की गई, लेकिन जिस तरह से अब इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की इंटरव्यू हुई है, जांच एजेंसी इस मामले में अब विस्तार से तफ्तीश करेगी कि किस तरह से इस मामले में क्या अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ या कहाँ पे धांधली हुई है, कहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है, उन तमाम मामलों की पड़ताल करेगी। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि एनटीए के जो डीजी जो हैं, उनको कैंसिल। हेलो जी, जिस तरह से प्रदीप सिंह खरोला की अगर बात करें तो नए डीजी उनको नियुक्त किया गया है और इनसे पहले सुबोध कुमार सिंह थे, लेकिन सुबोध सिंह पर जिस तरह से इल्जाम लगे थे तो एक तरह से कहा जा सकता है अपने आप में एक बड़ा वो मामला कहा जा सकता है। और जिस तरह से अगर हम कमेटी के 7 सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें डॉक्टर के राधाकृष्णन है जो पूर्व इसरो चीफ है, वही इन कमेटी बनाए गए हैं जो इन तमाम मामलों की पड़ताल करेंगे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया है जो पूर्व एम्स डायरेक्टर है, वो भी उनको भी इस कमेटी में रखा गया है। इसके साथ ही प्रोफेसर विजय राव, प्रोफेसर रामामूर्ति, पंकज बंसल और इसके साथ साथ प्रोफेसर आदित्य मित्तल है और गोविंद जयपाल जो ज्वाइंट सेक्रेटरी शिक्षा मंत्रालय के हैं, वो उनको भी इस कमेटी में रखा गया है जो इन तमाम मामलों की पड़ताल करेंगे कि आखिर किस तरह से ये प्रश्न पत्र लीक हुआ है, कैसे हुआ है। हालांकि एक तरफ देखा जाए सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, सीबीआई इस मामले की पड़ताल में जुटी है, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए एनटीए के द्वारा पिछले कुछ दिनों के दौरान में कई ऐसे प्रश्न पत्र लीक हुए हैं,
जो अब इस मामले में अब जब सीबीआई की इंटरव्यू है तो सीबीआई इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करेगी। बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर सिवनी से है जहां गोवंश हत्या मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पोस्ट के माध्यम से इस पूरे मामले की जानकारी दी। बता दें कि संस्कृति जैन सिवनी की नई कलेक्टर सुनील कुमार मेहता को बनाया गया नया एसपी। धानोरा धूमा थाना प्रभारी पर भी गाज गिर सकती है। सीआईडी एडीजी पूरे मामले की जांच करेंगे और सीएम ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इस पूरे मामले पर जानकारी दी है और गोवंश हत्या मामले में बड़ा एक्शन। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, बड़ा एक्शन लिया गया है और साथ ही इसकी जानकारी भी खुद मुख्यमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई। बिल्कुल देखिए, सिवनी में जिस तरह से गोवंश हत्याकांड का पूरा मामला सामने आया, बेहद ही संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरी घटना है और मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और इस पूरे मामले की जो लगातार जांच चल रही है उसको लेकर भी वो लगातार अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। इस मामले में एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया है और इसके साथ ही कई और जो अधिकारी हैं उन पर भी आने वाले समय में गाज गिर सकती है। सीएम ने ये भी कहा है कि जितने भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। संस्कृति जैन को उज्जैन की नई कलेक्टर बनाया है जो 2015 बैच की आईएएस ऑफिसर है। नगर निगम रीवा में अभी आईएएस पद पर पदस्थ थी और अब इन्हें सिवनी की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। इससे कहीं ना कहीं सीधा मैसेज यह है कि सभी अधिकारी हो, चाहे वो कलेक्टर या एसपी भी इस तरह के क्यों ना हो, उन्हें अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत रखना होगा। कानून का राज क्षेत्र में हो, शांति व्यवस्था कायम हो और इस तरीके के मामले जो है वो सामने ना आए, इसको लेकर विशेष तौर पर सावधानी बरतनी होगी। बहरहाल देखना होगा कि जांच इस पूरे मामले में कितनी जल्दी पूरी होती है और जो आरोपी है उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन आने वाले समय में नजर आता है। जी, खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर संज्ञान लिए हुए वासु और स्वाभाविक है प्रशासन भी पूरी तेजी से इस पर काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर फिलहाल जानकारी देने के लिए। सिवनी के धूमा थाना क्षेत्र में गौवंश हत्या मामले में पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस 2 आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर चुकी है और वही गिरफ्त में आए आरोपियों को पुलिस ने लखना दौन न्यायालय में पेश भी किया है। न्यायालय में पेश करने से पहले पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। पुलिस ने शहर की मुख्य सड़क से न्यायालय तक आरोपियों का जुलूस निकाला है और सभी आरोपियों को आईजी और एसपी की मौजूदगी में न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आज वीडी शर्मा अमरवाड़ा के दौरे पर हैं और अमरवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दरअसल इस सम्मेलन में माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस होगा। बूथ प्रभारियों से लेकर बीजेपी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। अमरवाड़ा में जीत की रणनीति तय करेंगे वीडी शर्मा। और अमरवाड़ा जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाने के प्रयास में और खुद वीडी शर्मा जो कि इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय नजर आए थे, एक बार फिर से छिंदवाड़ा की इस अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर एक्टिव नजर आ रहे हैं और आज बूथ प्रभारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। साथ ही कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वीडी शर्मा यहां पर निभाते हुए और ये जो आज की बैठक है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया है और आज बूथ प्रभारियों से लेकर पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और अमरवाड़ा में जीत की रणनीति पर आज मंथन करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। और राजेश कर्मेले हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। राजेश, आज बूथ स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी वीडी शर्मा को सुनेंगे, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर?
ये देखिए, कल दोपहर से इस बात की तैयारियां की जा रही है। छिंदवाड़ा के जो नवनिर्वाचित सांसद है विवेक बंटी साहू, भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है, वो तमाम पदाधिकारी वहां पहुंचे थे। बूथ के कार्यकर्ताओं और बूथ के जो पदाधिकारी है उनसे संपर्क किया गया, उनको उपस्थित रहने को कहा गया, तैयारियों का भी जायजा लिया गया। रात के देर रात तक तैयारियां चलती रही। अमरवाड़ा चुनाव को लेकर जो ये दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, ये चूंकि देव रावन भलावी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो समीकरण बिगाड़ते रहते हैं, हमें पिछले बार भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने समीकरण गाड़े थे, इस बार भी वो मैदान में है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से आंचल कुंड दरबार से प्रत्याशी उतारा है, उसको लेकर के मुकाबला जो है काफी दिलचस्प हो गया। और यही वजह है कि बीजेपी इस मुकाबले में कहीं से पीछे नहीं रहना चाहती। बीडी शर्मा ने लोकसभा चुनाव में भी यही कमान संभाली थी, बूथ मैनेजमेंट तगड़ा किया था, जिसकी वजह से यहां पर जीत दर्ज कराई थी। और यही फंडा लगभग अमरवाड़ा में अपनाने के लिए, यही फंडा आजमाने के लिए इसकी तैयारियां की जा रही है। और बीडी शर्मा आज यहां लगभग 12 बजे पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और टिप्स देंगे। जी बहुत शुक्रिया राजेश, जानकारी साझा करने के लिए। और क्योंकि देखना होगा कि कौन सा वो जीत का मंत्र है जो वीडी शर्मा देते नजर आएंगे कार्यकर्ताओं को। आगे बढ़ेंगे खबरों में, सूरजपुर की बात करेंगे जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। बता दें कि 13 मकानों पर बुलडोजर चलाकर इन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। नोटिस दिए जाने के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने इस वन भूमि को खाली नहीं किया था। वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए सूरजपुर पहुंची और यहां 13 मकानों को, जो कि अवैध रूप से अतिक्रमण कर वन भूमि पर बनाए गए थे, उन्हें हटाया गया। और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए, जिसमें वन विभाग की टीम, राजस्व विभाग की टीम और सुरक्षा के लिए पुलिस महकमा भी मौके पर पहुंचा था, सभी ने वन भूमि पर बने इन मकानों को तोड़ा और कार्रवाई को संपन्न किया गया। दरअसल 13 मकानों पर बुलडोजर चलाकर इस वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। 13 मकान यहां पर बने हुए थे और वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। नोटिस पहले दिया गया था लेकिन नोटिस का न कोई जवाब आया और ना ही नोटिस पर दी गई जानकारी पर भी अमल किया गया, क्योंकि नोटिस में स्पष्ट कह दिया गया था कि ये वन भूमि है, इस पर रिहायश के लिए आप मकान नहीं बना सकते। बहरहाल वरुण रॉय से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, कब और कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, नोटिस दिए गए थे, क्या उसकी तरफ से कोई जवाब आया था इन लोगों का? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि ये जो पूरा वन परिक्षेत्र का क्षेत्र है, अचानक से बीते 1-2 साल से यहाँ कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करना शुरू कर दिया गया और लगातार इससे पूर्व भी कई बार वन विभाग की कोशिश रही लेकिन कोशिश नाकाम रही अतिक्रमण खाली करवाने को लेकर। इसी के मद्देनजर बीते कल से ये अभियान शुरू किया गया और टीम गठित की गई जिसमें भारी संख्या में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी मौजूद किए गए हैं, राजस्व अमले को भी शामिल किया गया और वन विभाग की टीम 5 JCB साथ में जो 13 कच्चे मकान थे अतिक्रमणकारियों के, उनको ध्वस्त किया गया है। और पूरे मामले में और भी जो भूमि में जिस तरह से कृषि के लिए भी अतिक्रमण किया जाता है, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी। तो ये फिलहाल जो ये अभियान है अतिक्रमण हटाने का और कार्रवाई का, ये तो अभी जारी रहने वाला है और आगे क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात रहेगी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वरुण। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोंडागांव की जहां देर रात मेगा जाम लगा रहा। केशकाल घाट में जाम से लोग परेशान हो गए, मेगा जाम के दौरान गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही और इतना ही नहीं, जाम में फंसे रहे कई मरीज और इन मरीजों की हालत और खराब हुई। इस जाम में फंसे रहे, काफी देर तक इंतजार उन्हें करना पड़ा यहां से निकलने का। आप देखिए तस्वीरों में उस वक्त की, जब जाम को खुलवाने का भी प्रयास किया जा रहा था, हालांकि काफी देर तक और कई ऐसी परेशानियां इस जाम में लोगों को उठानी पड़ी। और इतना ही नहीं, आम लोगों के साथ साथ कई मरीज जो बीमार थे, एम्बुलेंसेस भी इस जाम में फंसी रहीं और एक मेगा जाम यहां पर लग गया और इस बड़े जाम की वजह से काफी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। विवेक श्रीवास्तव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जाम के खुलने को लेकर क्या अपडेट आपके पास, क्यों लगा रहा इतना लंबा जाम, क्या समस्या थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे बारिश हो इस इलाके में होगी और वहाँ पर केशकाल घाट में जाम लगेंगे, क्योंकि लगातार बारिश से मुसाफिर यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि घाट की रिपेयरिंग नहीं हो पाई है
और बारिश के समय बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। कल रात भी ओवरटेक के चक्कर में वहाँ पे गाड़ियां फंस गई, जिससे यात्री भी हलाकान होते रहे और काफी देर रात तक जाम को हटाने की कवायद चलती रही। और पुलिस ने केसकाल पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम ने वन वे करके जाम को खत्म किया है। जी बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर में सड़कों पर पुलिस उतरी, आला अफसरों के साथ सभी जीओएस और थाना प्रभारी सड़क पर उतरे वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के लिए। दर्जनों पॉइंट्स पर नाका लगाकर चेकिंग हुई है, हजारों गाड़ियों की चेकिंग की गई है, कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। रायपुर में पुलिस सड़कों पर उतरी और तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद रहे सड़कों पर, वाहनों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। दर्जनों पॉइंट्स पर चेकपोस्ट लगाया गया था और चेकपोस्ट के जहां जहां लगाया गया वहां वहां पर कड़ी चेकिंग की गई। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, चेकिंग की गई कल रात, काफी ज्यादा हाई चेकिंग चली है, क्या जानकारी मिल रही है कार्रवाई को लेकर, कितनी कार्रवाई हुई? तनु आपको आवाज मिल पा रही तो जाना चाहेंगे, ये चेकिंग किस संदर्भ में थी, ये रूटीन चेकिंग है या किसी पूर्व सूचना के तहत ये सब किया गया? लगता तनु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। लेकिन रायपुर की सड़कों पर पुलिस अधिकारियों का उतरना अंशिका, ये निश्चित रूप से जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के दौरान पूरी मुस्तैदी दिखाई थी, उसके बाद ये अलग से जांच अभियान क्यों चलाया गया, इसके बारे में भी डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल बढ़ते आगे, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून जल्द एक्टिव होने वाला है और एक दो दिन में पूरे प्रदेश में मानसून का प्रभाव देखने को मिलेगा। मानसून के एक्टिव होने की संभावना है, अगले दो दिनों में तेज गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। छह जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव, कांकेर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो मानसून की दस्तक और बहुत जल्द एक्टिव होगा मानसून, कुछ जिलों में तो बहुत ज्यादा बारिश होगी। ये छह जिले ऐसे हैं जिनके नाम हमने आपको बताए, यहाँ पर तेज बारिश होने की संभावना है। और हालांकि बारिश तो छत्तीसगढ़ में हो ही रही है, लेकिन कुछ एक जगह है जहां पर अभी मानसून का असर पूरी तरह से नहीं पहुंचा है। आज और कल तक यानी दो दिन में ये भी क्षेत्र बारिश और बिजली की गरज चमक के साए में होंगे। और तनु हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। तनु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है मौसम विभाग की तरफ से, क्या डिटेल्स दी गई है मानसून के एक्टिव होने को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ के पूरे हिस्से पर मानसून जो है वो एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल मौसम विभाग ने 3 घंटे के लिए अदर और बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया है। इसमें 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। वहीं राजधानी रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में अभी एक दो स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसके साथ ही बलरामपुर में शाम होते ही तेज हवाओं के साथ बारिश का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अभी बीते दिनों तक है सरगुजा संभाग में जो है मानसून जो है एक्टिव नहीं हो पाया था, ऐसे में कहा जा रहा है कि आज शाम तक सरगुजा संभाग में भी बारिश का दौर जो है वो देखने को मिले। बहरहाल मौसम विभाग ने गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव, कांकेर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया और इन जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसके साथ ही 2 या 3 दिनों बाद छत्तीसगढ़ में फिर बारिश की गतिविधि जो है वो कम देखने को मिली है और उसके बाद लगातार झमाझम बारिश का जो दौर है वो चालू हो जाएगा। फिलहाल राजधानी रायपुर में सुबह से ही जो है बादल छाए हुए हैं और मौसम जो है सुहाना बना हुआ है। इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश के चलते अब लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर मुंगेली से, जहां धान खरीदी केंद्र में लाखों के गबन की जानकारी मिल रही है। दरअसल धान खरीदी प्रभारी पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। 20 लाख के धान के गबन का आरोप है। आरोपी धान खरीदी प्रभारी भूपेंद्र बंजारे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। धान खरीदी में काफी ज्यादा घोटाला और एक बार फिर ये मामला सामने आया है और 20 लाख के धान के गबन का आरोप लग रहा है। पेंड्रा में स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है।
बता दें कि गृह क्षेत्र में ट्रांसफर किए जाने की मांग, रुके हुए वेतन को रिलीज किए जाने की मांग, गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र और आरोग्य मंदिर के काम पर असर पड़ा है और ये स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने का असर है। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं ये सभी स्वास्थ्य कर्मचारी। पेंड्रा से मिल रही है जानकारी। पूरे छत्तीसगढ़ भर में अभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एक अनिश्चितकालीन आंदोलन को लेकर के बैठे हुए हैं, जहां हमारी तीन सूत्रीय मांग है कि हमारी जो सबसे पहली मांग स्थानांतरण को लेकर के है, तो इसका निश्चित रूप से उसका तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरा हमारा मांग है कि लगातार हम स्वास्थ्य की सुविधाएं 45 से 50 प्रकार के कार्यक्रमों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के साथ साथ स्वास्थ्य के हर क्षेत्रों में हम अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको अपने कार्य आधारित जो मानदेय है वह कई कई जिलों में अप्राप्त है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं, आज यहाँ पांचवा दिन है। हम लोग यहाँ मतलब दूसरे जिले से आए हुए हैं। हम लोग स्थानांतरण का सुविधा चाहते हैं ताकि हम अपने गृह ग्राम में जा सकें। जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगा हम यहाँ धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है आज, और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। देश भर में मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित बीजेपी करेगी। प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता प्रतिमा पर अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है और आज जो नमन किया जाएगा उन्हें और पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18। अधिकारियों को यह कह रहे हैं कि तेजी से काम करो, मेरे पास समय कम है। डीसीडी थी उसमें बोला था कलेक्टर कमिश्नर सब तहसीलदार एसडीओ को कि समय से काम करिए, जल्दी करिए, किसान हमारा भगवान है। मैंने कहा मेरे पास वक्त बहुत कम है, तत्काल किसानों के काम करो। जो बोलना होता है वो मुंह पर बोल देते हैं। जैसे तहसीलदार ने कुछ थप्पड़ मारा मैंने सस्पेंड कर दिया, 33 दिन में अगर नामांतर नहीं हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं राष्ट्र प्रवृत्ति का आदमी, राष्ट्र के लिए काम करता हूँ। परिवर्तन करो, हमारी नियत का परिवर्तन करो। का स्वतंत्र कहा लोगों का